मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है, नेशनल सत्यवादी ह्यूमन राइट्स स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटकम। जैसे कि यादगिर में मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल पे आज मैंने विज़िट किया, यहाँ की हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश बिहार में जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे भी गए गुजरा है। जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा लगाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा ये नारा यहाँ के सिस्टम के पूरा विरोध है। बेटी बचाओ यहाँ पर देखे तो यहाँ पे सारी गंदगी, यहाँ पर गुंडा, यहाँ पर पीने खाने वाले रस्से में बैठकर रस्से का बहुत बुरा हाल है। तो इससे ऐसा लगता है कि बेटियाँ नहीं बच सकती। और बात रही पढ़ने की, यहाँ पर एक एजुकेशन का जो स्कूल है, एक इसको एक मंदिर कहा जाता, यहाँ पर रास्ता बराबर नहीं, रोड बराबर नहीं, यहाँ पर बच्चे स्कूल छोड़कर घर पे बैठ रहे हैं। जैसा कि अभी तक ऑनलाइन क्लास के वजह से घर में बैठे थे उतने दिन वेस्ट हो गए। अभी कर्नाटक सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक अभी स्कूल खुले हैं, स्कूल को आने के लिए देखा गया तो रास्ता इतना गंदगी है, मैं अभी देख रहा हूँ बच्चे बड़ी तकलीफ से कांटों में से दीवार पे से नीचे कीचड़ में गिर पड़कर आ रहे हैं। मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम से, राघवप्रिया मैडम से इतना रिक्वेस्ट है, मैं अभी उनको मिलकर भी मैं लेटर दूंगा, जल्द से जल्द यहाँ स्कूल बिल्डिंग में यहाँ पर टॉयलेट नहीं है, यहाँ पे और बाजू यहाँ पे नाला है, यहाँ पे बच्चों के लिए खतरा भी है। तो जल्द से जल्द स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर कंपाउंड होना। जैसा कि यहाँ रेती के माफिया लोग हैं, नाले से यहाँ पर रेती निकाल कर स्कूल के बिल्डिंग के सामने यहाँ पर डंप करके फिर यहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है यहाँ पे, DDPR और BO क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि इनका फर्ज बनता है कि वीकली एक बार आके CRC हो, ये BO हो, DDPI हो, आके यहाँ पे विजिट करे, यहाँ पे स्टूडेंट का हालचाल पूछे। क्योंकि एक मसला जो जरूर निकलता है यहाँ पे, बच्चों तब तक उनके लिए रास्ता साफ ना हो तब तक उनकी पढ़ाई में तब्दीली नहीं आएगी। एक नारा जरूर लगाते, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। बच्चों की लाइफ तभी गोल्ड हो सकती है, घर से लेके स्कूल तक अगर रास्ता साफ हो तो तब उनकी जिंदगी में गोल्ड हो सकता। ये सिर्फ नारा नहीं है, हमें इसे हकीकत अगर बेहतर बनाना है तो एजुकेशन सिस्टम बहुत सही तरह से रहना। और मैं जल्द से जल्द अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मैडम के पास मैं जा रहा हूँ, उसके बाद नगर सभा कमिश्नर को भी मैं अभी कॉल करके बताया, वो बताया सर 4 दिन में अभी बारिश हो रुक गया है, रुकने के बाद हम CC रोड डाल के देंगे बोल के बात की है। हमारे को जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर यहाँ काम पूरा होना चाहिए, कंपाउंड वॉल और टॉयलेट रूम और यहाँ पर झाड़ियों का थोड़ा सफाया होकर पुलिस के राउंडिंग के लिए, बच्चों स्टूडेंट के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस का राउंड यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। ये तब तक यहाँ पर गुंडे लोग बैठना छोड़ नहीं देते तब तक पुलिस प्रोटेक्शन होना।